ऐसी सोच रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब वक्त पे आए, इससे वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और इससे पहली बात जो नज़र आती है वो ये कि आप 100% कमिटेड हैं। हम जो जिस एनर्जी स्पेस में काम करते हैं उसमें हमें ये सिखाया गया है कि अगर दो दिल एक साथ धड़कें तो एक तीसरी एनर्जी वहाँ आती है जिसको कई नाम देते हैं, हमारे यहाँ उसको अलग ज़ात कह देते हैं, ये हमारा है और हमने इसका तजर्बा किया, ये कहने की बात नहीं। तो जितना आप यहाँ रहेंगे हमारी एनर्जी हाई से हाई होती जाएगी। अगर सुन्नत से जवाब लेना है तो 27 गुना मस्जिद में सवाब ज़्यादा होता है, राइट। तो ये एक सबूत है कि जब कुछ लोग मिल के एक साथ एक फोकस के साथ कुछ करेंगे तो उसमें जो पैदा होता है वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस है आम लोगों के लिए। अभी ये के वक्त जो है वो मुझे दिखाई देता रहना चाहिए, बड़ा सा इतनी दूर से नहीं नज़र आएगा। तो मैंने वक्त के लिए वो करने के, नॉर्मली जो मैं टॉक देता हूँ उसमें बच्चे होते हैं और वो कभी वक्त को नहीं देखते, हम चलते रहते हैं, लेकिन चूँकि आप सारे मसरूफ लोग हैं तो मैं चाहता भी नहीं कि आपका एक सेकंड भी ज़ाया करूँ। तो इसलिए मैं अपने नोट्स का सहारा लूँगा ताकि मैं टू दी पॉइंट चलूँ और वही बातें शेयर करूँ, वो जो जुमे के खतीब की तरह कहीं का कहीं ना निकल जाऊँ। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दी टीम ऑफ TWC। वो बात जो है इस बहन से शुरू हुई शादरा में, ताहिरा आपी से बात हुई, फिर आमर भाई से आज़म भाई तक और अत्तर भाई, मतलब इट वॉज अमेजिंग, मतलब और मैं इनसे आज मिला हूँ। ये एनर्जी है जो कि फिजिकल से बियॉन्ड है, मोबाइल से आप बात करते हैं, इस एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है। और दिल धड़क रहे थे, मतलब इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें हुई जो मेरे एक्सपीरियंस से जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों की शर्टें आपके ग्रुप में ज्वाइन करके मुझे लग रहा है कि मैं कैसे ख़ानदान में आ गया जिससे मैं बिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ सिडनी से जब यहाँ आते हैं तो एकदम जो है ना, मैं लाइव कैंप करता हूँ लेकिन साल में एक दफ़ा होता है वो भी 4 दिन के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे बार बार यहाँ आना चाहिए सीखने के लिए। आपकी जो तजर्बा आपके चेहरे से नज़र आ रहा है मुझे सीखना है बहुत ज़्यादा आप लोगों से। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी फैमिली का मुझे हिस्सा बनाया। मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है आप लोगों को सिखाने के लिए, मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह ने मुझे बहुत सारी बीमारियों की शक्ल में दिया, तो उन बीमारियों का इलाज करते हुए जैसे एक मरीज जो है सीखते सीखते डॉक्टर बन जाता है, लेकिन सिर्फ अपनी बीमारियों का, तो वही मैं आपसे बांटूंगा कि उसमें क्या सीखा है, उस सफ़र में मैं क्या हुआ। तो उस हवाले से मैं अपना तारफ बहुत ज़्यादा नहीं देता, मैंने शेयर किया था उसके अंदर, आपने पढ़ लिया होगा, उस पर वक्त ज़ाया नहीं करते। तो मेरा यही एक तारफ है कि मैं इस स्पिरिचुअल सफ़र का, रूहानी सफ़र का एक मुसाफर हूँ और आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। सिर्फ वो बांटूंगा जो मुझे लगा कि बांट लेना चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि दूसरों को इतला अपनी इसलाह, तो वो वाला हिसाब होगा। तो मेरी बातों में कहीं भी अगर आपको गुरु का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब हर वो आदमी जिसके पास बांटने को कुछ है, वो आपके वालदैन से अगर शुरू करें, मेरे वालद साहब हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है और उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर, ही इज़ द अल्टीमेट गुरु फॉर अस। ओनली डिफरेंस इज़ कि हमें हदीसों से आगे जाना है, उनकी मेडिटेशन को सीखना है कि वो कैसे करते हैं, वारे रामें कैसे होती है। तो ये मेरी रिसर्च चल रही है, मैं एक्सपीरियंशियल इस्लाम पे काम कर रहा हूँ अपनी ओन अपनी वेलबींग के लिए। जो टॉपिक है हमारा आज का वो ये कि मॉडर्न टाइम के अंदर योगा जो है एज ए टेक्नोलॉजी कैसे टोटल वेलबींग कैसे करती है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मॉडर्न टाइम क्या चल रहा है इस वक्त, नफ्सा नफ्सी है, मादा जो है अरूज पे है, जो पैसा और पावर इस वक्त जो है वो एक बुनियादी गोल बन गया है, ठीक है।
वक्त जो है वो उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, जिसमें मैं खुश हूँ क्योंकि तो जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको मज़ा आता है, और मशीनें जो है उसमें हेल्प कर रही हैं, इसलिए वक्त जो है आप खरीद सकते हैं वक्त मशीनों की शक्ल में। योगा क्या है, मैं सिंपल सिंपल डेफिनेशन रखूंगा ताकि हर बंदे को समझ। योगा क्या कहती है कि भाई पूरी कायनात ड्यूअलिटी पे मुनासर, हर चीज़ें जोड़े नजर आते हैं, उनको एक करने का नाम है। योगा मीन यूनियन, दैट्स ऑल आई लर्न्ड। और टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे हमारे इस्तेमाल चलती है, क्या वक्त हो गया सर, आई थिंक आई नीड टू बॉर्न अनदर मोबाइल, आई नीड टू कीप वॉचिंग इट। आप एक और मोबाइल, आपको नोट्स लेने हैं नहीं, उसको रीसेट रोशनी से बड़ा जी। टेक्नोलॉजी है साइंस की अमली एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो उसको काम करना चाहिए, ये नहीं कि वो है। आप कहते हैं जी साइंस ये कहती है कि ये चीज़ जो है बड़ी काम की है, उस इल्म का कोई फायदा नहीं जब तक वो चीज़ लेके मैं अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। तो जो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इफ इट डजन वर्क फॉर यू इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स अ टॉक, दैट्स अ गुड सेंटेंस। टॉक वॉन्ट वर्क, टेक्नोलॉजी डज वर्क। कभी कभी जुबान मेरी इंग्लिश में फिसल जाए, बड़ी मुश्किल से उर्दू के लफ्ज़ मैंने रात सोचे हैं, नोट्स मेरे इंग्लिश में हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपसे शायद आपको अच्छी लगे, वो है टोटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमें जो पता है कि टोटल वेलबींग जो है, अब मुझे दे दो मामा, नहीं ये है, बंद तो नहीं मसला होगा नहीं है। हाँ, इसको ठीक है। टोटल वेलबींग जो है अभी तक जो हमारी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपकी फिजिकल होती है, मेंटल होती है, इमोशनल होती है और एनर्जी, ये चार चीज़ें हैं जो आपकी ज़ात के साथ जुड़ी हैं, इनको हम थोड़ा सा टच करेंगे। ये आपकी वेलबींग है, अगर आप हेल्दी हैं, सुकून में हैं, ठीक है, और आप खुश हैं और आपके अंदर एक हरारत है कुछ करने की, तो हम कहते हैं ये बंदा वेल है, ये कहते हैं चंगा भला है। अब इसमें टोटल का वर्ड जब ऐड करते हैं, आप उठते हैं, अपने बेटे को उठाते हैं, वाइफ से बात करते हैं, आपको चारों चीज़ें नज़र नहीं आती, तो आपकी वेलबींग वहीं फंस जाती है। आप बाहर निकलते हैं, गली में कचरा पड़ा है, गालियाँ निकाल रहा है कोई, कोई स्वेयरिंग कर रहा है, कोई हॉर्न मार रहा है, आपकी वेलबींग टोटल नहीं है। टोटल वेलबींग जो है जब आप इन चारों चीज़ों के साथ इसको एक्सटेंड करें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, फैंस, जो जो जहाँ तक आपकी दस्तरस है, जहाँ जो लोगों के आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, अफ्रीका में एक बच्चा जो है उसके क्या प्रॉब्लम है, आप वो आपकी दस्तरस से बाहर है, आपके एक्शन से बाहर है, उनके बारे में आप दुआ कर सकते हैं अगर पता चले, उससे ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन आप खुद को समझें कि जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं ये मैं इनका जिम्मेदार हूँ। एक किताब है बहुत मजे की, थिंक लाइक ए गॉड, ठीक है, माँ बाप को रब्बे सगीरा कहा गया, राइट, अब बहुत बड़ा टाइटल है, तो अल्लाह ने वो टाइटल दिया बाद में, इसका मतलब है अगर जो लोग अल्लाह की सुन्नतों को अपनाएंगे उनकी वेलबींग जो है वो गारंटी है। अब देखिए जितने भी चीजें हैं, खरात क्या है, हमें खरात ही तो मिलती है अल्लाह से, वो बड़ा खूब ब्यूटीफुल जुमला है, मुझे याद आता है उनका, शौक साहब का, वो देते जो देना है तो मैं भी दियो में से, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है उसका अता किया हुआ है, मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोटल वेलबींग जो है ना, इससे सक्सेस टू गारंटी टू जन्ना। अब इसको हम देखते हैं कि इसी को एक्सपेंड करेंगे कि टोटलिटी कैसे अपने अंदर लेके आने, आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इसको, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पता नहीं है, इसके लिए ये होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच ये है कि भाई
आपने अपने आप को तो ठीक कर लिया, लेकिन ये कि आपकी वेलबींग दूसरों पर डिपेंड करती है, चेन वर्क है ना। जैसे ये टीम थी, इनमें से एक भी बच्चा अगर नहीं उठता तो मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट होगा, मैं वहाँ बैठा हूँ, क्योंकि वो आएगा तो जाएंगे। इसीलिए मैं बच्चों को सिखाता रहता हूँ कि टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर, एवरी वन अचीव मोर। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इतने लोग होंगे, अगर आप गिने, अगर ये 100 लोग हैं तो एनर्जी 100 की नहीं होगी। आपको याद है 313 की एनर्जी कहाँ ले गई थी? ये मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप जिसके कल्चर से आप मुतारफ हैं और जिसको आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसके लिए आपको दलील की ज़रूरत नहीं है, वक्त बचेगा। तो मैंने ये 5 साल की जर्नी अख्तियार करी है। मैं वक्त के ऐसे धारे में फंस गया था जहाँ पे डॉक्टर जो कहते थे जी हमारे पास में कुछ नहीं, बीमारी क्या ये भी पता नहीं। वाले साहब ने मुझे उठाया, पहले पहले गुरु थे, उन्होंने मुझे 3 महीने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई के होती है जिंदगी को। वह 105 में घुस गए हैं, वो अभी तक सुरख रंग है माशाल्लाह, और बाजू में छुड़ा नहीं सकता। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा दलील नहीं चाहिए कि ही डिड समथिंग गुड। वो मैं आपसे बांटूंगा कि किस तरह से उन्होंने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की। और एलोपैथी जो थी उसमें कुछ नहीं कर पाई, दवाइयाँ जो थी वो केयर के नाम पे, क्योर का उनके साथ कोई नहीं था। तो 2014 से मेरी रिकवरी चल रही, अभी तक चल रही है, आई एम नॉट फुली फिट। तो मैंने वाले साहब से पूछा कि मैं क्यों पहले पूरी उम्र कमर झुकी गुजारी है। वो कहते यार तेनों अल्लाह ने रुकू करवाया, तू क्यों नहीं खुश होंगे? मैं ये क्या बात हुई, मुंडा खुंडा 9वीं क्लास में बंदा क्या क्या नहीं सोचता, स्पोर्ट्स करता, पूरी उम्र स्पोर्ट्स नहीं करी, अब आके करिए, अब आके स्क्वाश खेलिए, अब आके क्रिकेट खेलिए। तो मुझे कह रहे कि यार तुम्हें अल्लाह कुछ देना चाह रहा है लेकिन जरा औखे तरीके से दे रहा है, बाथरूम रोड के देगा, लेना है कि नहीं? मैं कहा मेरी जान छुड़ाओ, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव फॉर माई किड्स, उनका हो जाए, ये बड़े हो जाए, आई एम हैप्पी टू गो। एग्जाम पे होता है ना कि यार, तो मेरी वाइफ ने कहा कि बस इतना रुक जाओ कि ये बड़े हो जाए, आई ट्राई टू गिव अप। तो वाले साहब आए थे सिडनी के अंदर, उनका चल पुत्र जो है चलते हैं, यहाँ तो मैं आपको काम नहीं फिलहाल, यानी बैठे बैठे रो ही जाना। मैं आपसे अपना पेट नंगा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी स्टोरियाँ सेम हैं। जब तक हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे हम बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो जाके 3 महीने उनके साथ जिंदगी को नए सिरे से समझा। उससे पहले जिंदगी मुझे गुजार रही थी, अब मैंने जिंदगी को गुजारना सीखा एक एक चीज। अब मैं बताता हूँ कि उसमें किया क्या। मेरे वाले साहब अपनी जुबान में कहते हैं कि यार हम लोग जो हैं, मुझे एक दिन पूछते कि भाई सबसे कंप्यूटर फास्ट कौन सा है? मैंने कहा ये उन्होंने नासा वालों ने बनाया, उन्हें इससे भी को फास्ट है। मैं कहीं मेरे लिए नहीं इससे फास्ट, मैं कंप्यूटर का बंदा। कहते सबसे जो जबरदस्त कंप्यूटर है वो आप हो। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि वी आर द सुपर गैजेट ऑफ दिस यूनिवर्स, द ओनली प्रॉब्लम इज वी नेवर रीड द यूजर मैनुअल। वो कहते नहीं अपनी आप किताब पढ़ो, मेरे वाला सब सुनाते मुझे याद नहीं रहते, इससे अच्छी इबादत कोई नहीं। आबद का मतलब अगर आप जाके अरबी में पूरी तरह पढ़े तो उसका मतलब सबमिट करना अपने आप। हमें यही नहीं पता उसका जो निज़ाम है उसमें फिट कैसे होना, हम अपनी मर्जियां कर रहे हैं। जब आप उसके निज़ाम, वो मैं लेके आऊँगा एंड में कि उसके निज़ाम में फिट कैसे, जब उसके निज़ाम में फिट हो जाएंगे तो गाड़ी तो ऑटोमेटिक चलेगी, फिर तो जद के लिए आपको उठाएगा कौन, नहीं मज़ा आएगा। अब ये क्या हो रहा है कि जब आपके पास यूज़र मैनुअल नहीं होता ना किसी गाड़ी का, किसी मशीन का, तो फिर वो एक्सीडेंटल चलती है, तो कहा लग गया नहीं लगा था, और हर वक्त डर रहेगा कि ये कभी भी रुक सकती है, क्योंकि तो आपको पता ही नहीं चलानी कैसे। आप मेरे हाथ में गाड़ी दे दो, मैंने कभी चलाई ना हो, वो पता नहीं किधर पे चलेगी और कहाँ तक चलेगी और कितनी देर चलेगी, राइट? लेकिन अगर आपको यूजर मैनुअल का पता है, अच्छा पता इतना ही होना चाहिए, मैकेनिक जितना नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमने को मुहदस नहीं बनना, हमें इतना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को मज़े से गुजारते हुए हंसते हंसते दरवाज़ा खोल के कहें आ गए हाजमिन फसल रबी।
ठीक है, ये हम चाहते हैं। लेकिन इस यूजर मैनुअल को मैं, जाहिर है मेरी जर्नी 5 साल की है तो मैं 40 मिनट में तो समेट नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इस यूजर मैनुअल के चैप्टर्स के नाम बताता जाऊंगा कि ये दरवाजे हैं, एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक दें, बैठे रहें, करते रहें, और उसको जो है डेरे डालने पड़ेंगे। लेकिन ये नहीं कि भाई हो नहीं सकता, बड़े आराम से। मैंने अगर 40 साल की उम्र में शुरू किया, मैंने भी कर लिया, तो इसमें वो चक्कर नहीं है। और इसी के लिए मैंने लाइफ कैंप रखा था कि कुछ लोग कि वो थोड़ा थोड़ा सीख के जाते हैं। मैंने सिखाना शुरू किया, मैं थोड़ा सा दिया, अगले हफ्ते आया तो वो वहीं के वहीं। आपने देखा है ना कि भाई अगर आप चावल उबाल रहे हो और हर 5 मिनट बाद आप लाइट बंद करते रहें, उबलेंगे वो चावल कभी कभी। तो एनर्जी जब होती है हाई लेवल पे, तो उसमें ये कि आपको उसको मेंटेन रखना पड़ता है। ये जो चीज़ें हम शेयर करते हैं, ये दूसरों को इंस्पायर करने के लिए होते हैं। उनको हम लोग कोई फख्र या उस अंदाज में नहीं देते कि मैंने कुछ किया है। ये जस्ट बताना होता है कि एक इल्म है आपके पास, अगर आपको चाहिए तो आप सारी जगहों में पढ़ा। तो ये तस्वीर जो शेयर करते हैं हम, इसमें शो आपका कोई अंसर नहीं होता। तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि भाई आपने मकैनिक नहीं बनना, आपने अच्छा ड्राइवर बनना। तो मेरी ज़िंदगी की गाड़ी मज़े से चलती, इस हद तक चले कि गाड़ी चलती जाए और मैं क्रूज कंट्रोल में बैठा और मैं सीनरी इंजॉय कर रहा हूँ। आपने कभी साइकिल चलाया हो पहली दफ़ा तो क्या होता था कि यार ये चल जाए सही, कम वक्त गिरूँ नहीं। लेकिन आज क्या होता है, बच्चों को कभी देखें बैठे होते हैं हाथ करके, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, वेल पर दैट्स व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। किसी हद तक ही आ जाए, खौफ ही चला जाएगा यार गिरने का, यही बहुत बड़ी बात है। तो हमारी 4 बॉडीज होती हैं जो मेरे इल्म में, बात को समझिएगा। उसमें तकनीकी अंदाज में मे भी मैं कई चीज़ें नहीं, लेकिन आप जो आपके तजर्बे से टच करें चीज़ें आप उसको देखिएगा। फिजिकल बॉडी, जिस्म जो है, बॉडी का लफ्ज़ समटाइम कन्फ्यूज़ करता है लेकिन मुझे यही टर्म्स आते हैं। फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है और एनर्जी बॉडी, ठीक है। ये 4 सेक्शन है पहली किताब के, पहले यूजर मैनुअल के, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं पर्सनल वेलबींग कि आपने अपनी ज़ात की हद तक जो कर दिया। फिजिकल वेलबींग में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी पूरी ये जो आप जिस्म लेके बैठे हैं वो एक खुराक का मजमूआ है। बचपन से खाते आए, अंदर एक इंटेलिजेंस थी उसने आपको बनाना शुरू कर दिया। ये पानी का गिलास थोड़ी देर पहले पानी का गिलास था, ये मैं पी जाऊँगा, ये पानी मैं बन जाऊँगा। जिसका मतलब जिस चीज़ को आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं उसको इस तरह लें कि जैसे इबादत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुन्नत क्या है, नफल क्या है, फ़र्ज़ क्या है इस खुराक के। आपको पता होना चाहिए कि खुराक की कितनी किस्में होती हैं, कौन कितने चार्जेस करती, कौन किस वक्त खाई जाती है। ये हमारी दादियों को विरसे में मिली होती थी, वो सर्दी बाद की ये थोड़ी हल्दी बता रहे, किसी को ये साइंस चली आ रही थी। अब आके ये साइंस करप्ट हो गई क्योंकि वो ट्रेन होने से पहले ही मैं लादा कर लेना तो वो साइंस आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। मैंने वाला साहब से आप वापस आके ली क्योंकि मैंने वक्त नहीं गुजारा। मेरा उनका तकरीबन 4 साल का डिफरेंस है, मेरी ज़्यादा ही हो 60 साल का डिफरेंस है। तो मैंने बाबा जी तुम्हारी बातें समझ नहीं आती हमारी। अब आके उन दिन में 30 दफ़ा उनका नाम लिया, तो अब भाई ने ये क्या छेडो करो करो ऐसे ही होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। जब मैं यहाँ से डालता हूँ तो वो निकलने तक क्या होता, क्या उसके बाद कहाँ कौन सी चीज़ आती है, कहाँ एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये खाता हूँ तो इतना टाइम लेती है ज़माने में, ये खाता हूँ तो ये, तो अगर मुझे भागना है और एनर्जी लेनी है तो मुझे सिर्फ एनर्जी फूड चाहिए। अगर मैंने जो है भारी काम करना है तो फिर मुझे प्रोटीन वाला फूड चाहिए। तो ये जो है चैप्टर, ये टॉपिक दे रहा हूँ क्योंकि अगर हमने इनकी तफसील में गए तो एक एक टॉपिक जो 40 मिनट का। उसके बाद जो है दूसरे भी पार्ट से मैं उन पर नहीं जा रहा, जैसे लंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोग करते हैं।
TWC बेस्ट कर रही है उसके अंदर, मैंने सारे आपके आसना पोस्चर सारे देखे हैं, अनबिलीवेबल, मैं नहीं कर सकता, मेरी मतलब हड्डी में वो है ही नहीं चीज, मेरे बहुत बेसिक, ये मैंने बैठना जो है ना इस पोजीशन में 6 माह लगे थे मुझे बैठने, मैं बैठ नहीं सकता, और अब इससे ज़्यादा खूबसूरत पोस्चर कोई नहीं, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 घंटे का टाइम है, मैं इसमें बैठ सकता, इससे ज़्यादा मैं इससे नहीं बैठ सकता। और आप लोग वंडरफुल काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे, यू आर मेकिंग ह्यूज डिफरेंस, टेकिंग पीपल आउट ऑफ द डिजीजेस व्हिच मेक नो सेंस एट ऑल के भी उनको होनी चाहिए। मेंटल बॉडी जो है आपका माइंड, जैसे कि आपका टोटल बॉडी जो है वो खुराक से बनी है, आपका माइंड जो है टोटल ख्यालात से बना है, ख्यालात प्लस मेमोरी, आपके पास इसके अलावा दिमाग है और कुछ नहीं, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं सोच सकते जो आपने देखी ना या सुनी ना, योर माइंड इज ए जस्ट हीप्स ऑफ मेमोरी अटैच विद द थॉट, और भी बड़े पोर्शन है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, चित्ता है, साइलो मेमोरी है, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है, उसका रिलेशन भी है, ये सारी एक ही मशीन है, स्टेयरिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहियों के बगैर उसको बात करनी पड़ेगी कि मैं आ रहा हूँ, ये मेरी बात सुनो, इधर को जाना, इनके दरमियान में बाउंड्रियाँ हैं, जैसे आपकी ब्रीदिंग है, इससे बाउंड्री बिटवीन योर माइंड एंड लंग्स, योर माइंड एंड हार्ट, योर माइंड एंड पल्स, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपके जो जितने भी आप हम लोग तो मेडिटेशन करते हैं जनरल वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी और किस्में हैं, ठीक है, साधना है, तो उसके अंदर जो है लोग समाधि तक भी जाते हैं, लेकिन ये कि ये आपको पता होना चाहिए, ब्रीदिंग आप उस पर काम कर रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल थिंग, और इसमें जो है एडवांस चीज़ें हैं कुछ, मैं सीखना चाहूँगा कि हम कहाँ तक वहाँ पहुँचे हैं। इससे आगे आती है तीसरी चीज़, इमोशनल, इमोशंस क्या चीज़ होते हैं, इमोशन जो है सेपरेट से कुछ नहीं है, वो इन दोनों का मिलाप है, आपने कभी गौर किया, कभी आप भाग के आए तो आप देखेंगे आप ऐसे ही हंस रहे हैं, आप कभी खेल लें थोड़ा सा फुटबॉल खेलते हैं, बंदा कहते हैं इसमें कोई लतीफ़ा तो नहीं आ रहा, तो वाई यू लाफिंग, आपने देखा गौर किया, क्योंकि एनर्जी हाई होती है तो आपका माइंड एनर्जी पकड़ता है, आपकी बॉडी एनर्जी पकड़ती है, तो नेचुरली आपके वो निकलती है, तो आपको सीखना है कि कैसे थॉट फीलिंग से होता हुआ इमोशन में बदलता है, कैसे ख्याल एहसास से होता हुआ जज्बात में बदलता है, एक साइंस है पूरी, और आपको एक वीडियो है बड़ी मज़े की, वो आपको दिल का पूरा दिखाता है कि दिल कैसे चेंज होता है आपके ख्याल से। अब गौर करें, मैं आपको कहूँ ना, सिडनी में एक बंदा मर गया, आपको कोई फीलिंग नहीं है, इतनी सी आई, मैं कहूँगा उस बंदा लाहौर का था, और फिर मैं आपको आपकी गली का था, आप देख रहे फीलिंग चेंज हो गई, पाकिस्तानी है, और अगर खुदा न खास्ता फैमिली का हुआ तो आंसू निकलेंगे, आंसू फिजिकल चीज़ है, बॉडी की है, आप देख रहे जर्नी होता हुआ कैसे थॉट से आपका दिल बैठने लग गया, टांगों से जान निकल रही, भूख मर गई, तो इनका आप रिलेशन देख रहे हैं। अब इन तीनों के ऊपर एक चीज कोऑर्डिनेट करती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, वो तीनों का बैलेंस है, अगर वो बैलेंस और सिंक कर रही है आपस में तो यू आर लाइक ए रॉकेट, और अगर वो इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, एक बैठी है वो कुछ सोच रही है, बॉडी कुछ कह रही है, इमोशन पता नहीं कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर होता है यार एक काम का मूड नहीं है, अगर आपको टेक्नोलॉजी मिल जाए कि वो मूड आपके हथियार में हो, जब एक्शन की जरूरत है, हमारे गुरुजी कहते हैं बैठो मलंग की तरह, उड़ो काब की तरह, ये मैं कोट नहीं करना चाह रहा, ये सब कुरान से है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है, ये बातें नहीं है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, 2-3 साल की बात है, कोई 6 महीने में कर लेंगे जिनकी बॉडी स्ट्रांग है, अपने मन में खोकर पाजा सुराग है जिंदगी, अब ये बातें नहीं, मैं बुल्ले शाह भी सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आपको टेक्नोलॉजी की रास्ता दिखा के जा सके आप पहुँच सकते हैं, आपको ऐसी चीज लेके जाए कि यार
मुझे मसला बताओ, मैं हल बताता हूँ। अली कहते थे करमला बाजू, वो यार मैं इसको पूछने को ही नहीं आता। उस बंदे की एनर्जी थी, खैबरों को आके फेंक दिया। मैं ये इस्लाम की चीज़ें कोट कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक्सपीरियंस, मैं कोई रिलीजियस तकरीर नहीं कर रहा, ये एक्सपीरियंशियल साइंस है। दिमाग के और भी हिस्से, मैं उसको भी नहीं डिस्कस कर रहा। अब आपको एनर्जी बॉडी का पता चल गया। एनर्जी बॉडी जो है ना, एनर्जी चाहिए आपको एक ऐसी चीज से तारफ करने के लिए। इसमें भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने पूरा एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि एनर्जी इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन, आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ती है। अगर मैं आपको करीब बुला के हल्का सा मुक्का मारूं और फिर कहूं कि दर्द कहाँ है, दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको पता दर्द हो रही है। अगर आपको दर्द हो रही है और आप चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं लाए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा वो एनर्जी काम कर रही है। जैसे आपको पता नहीं चला मेरे अंदर इस वक्त कितनी एनर्जी है अगर मैं बोल नहीं रहा ना। अब इसके बाद इस एनर्जी की जो है ना लिमिट कोई नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसके दर्जे चक्रास आपने देखे हैं, जो इसके ऊपर वाला चक्र है, इसकी मिसाल समझाने के लिए हम देते हैं कि एक केतली में अगर आप पानी डालें तो सबसे नीचे एक मेरे जैसा 5 साल पहले वाला कतरा कहता है दूसरे कतरे से, यार जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, डूबा पड़ा हूँ, अंधेरा ही अंधेरा। वो कहता है यार थोड़ी हिम्मत कर, थोड़ी तपस्या कर, मैं आग जलवाता हूँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, रोशनी की किरणें, आई कैन सर्वाइव। इसके आगे भी कुछ है यार, एक चीज होती है रोशनी, तुमने देखी कभी? वो कैसे मिलेगी? थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा करीब आता है, अरे एनर्जी बढ़ा रहा है अपनी, ठीक है, मेडिटेशन टाइम बढ़ा रहा है, आसना का टाइम बढ़ा रहा है और एडवांस चीज़ें सीख रहा है, और ऊपर आता है, ये लाइट भी है, वो देखो कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, बादल लग रहे हैं, वो क्या होता है जी बादल? उसके लिए उबलना पड़ेगा, उबल के देखता हूँ, वाओ दैट्स नाइस, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? नीचे चला जाता हूँ फिर मैं, उसके लिए बुखारात बनना पड़ेगा। जब आप बुखारात बन गए तो फिर आपकी मर्जी है, यू डिसाइड योर तकदीर कि तुमने बर्फ बनना है, बारिश बनना है, समंदर बनना है, ओस बनना है, किसी की प्यास बुझाने वाला ग्लास बनना है, इट्स अप टू यू। एनिमल्स और आप में यही डिफरेंस है, एनिमल्स टॉप लाइन इज डिसाइडेड, आपकी नहीं है। आप पत्थर से लेके फरिश्ते तक जा सकते हैं, फरिश्ता इज अ प्योर एनर्जी, नो फिजिकल एट ऑल। ये हमें क्यों बताई गई, मुझे बताएं, फरिश्ते का हमें ना बताएं तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, गुजारा हो रहा है। हमें बताया गया है जिन फरिश्ते के तुम बन सकते हो, आपको दिखाने के लिए। मैं अक्सर सोचता रहता हूं मुझे जिन्नों से क्या लगता है, मुझे फरिश्ते ठीक अच्छे काम कर रहा हूँ, नोट कर रहे हैं, मुझे तो कोई पता नहीं, कहानी है ना मेरे लिए। लेकिन वो दिखाई जाती चीज़ें कि तफक्कुर करो। मिराज का वाक्या अगर अल्लाह ताला ले जाते उनको वापस, उनका आपस का मामला था, हमें क्यों बताया गया? इट्स पॉसिबल, अगर उनकी सुन्नत पे चलते हो इट्स ऑल पॉसिबल। जो हम सुनते हैं कि एक बंदा लंगोट पैर के पहाड़ी की चोटी पे बैठा है, इट्स पॉसिबल। 6 मास में तिब्बत में एक लड़का बगैर खाए पिए पास, ये पॉसिबल है। दे आर नॉट सुपर ह्यूमन, there's no super human, being a good human is a super thing, that's what we want, कि मजे का दिन गुजरे और ये के तीन चीजें ना है, गुस्सा, रंज, खौफ, पीछे रह गएगा कुछ। कल बच्चों को लेके हमने 11 घंटे नॉन स्टॉप काम किया, कुछ खाया पिया आपने? खाया, लेकिन कोई वो नहीं खा, एक ही बात है कि कहीं आर्गुमेंट नहीं करना, जहां जो हो जस्ट स्टे इन अ प्रेजेंट, दिस नो प्रॉब्लम। और वो भी दिखाया एट द एंड ऑफ डे के देखें इतनी सी चीज से हम लोगों ने वो एनर्जी खो दी, इसलिए कहा बी 100% टुगेदर, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये जो है पहला सेक्शन है पर्सनल वेलबींग का, कि इसको करने से आपकी पर्सनल वेलबींग हो गई है, आपकी तकदीर आपके हाथ में आ गई। इसमें इकोनॉमिक वेलबींग ऐसे है, ये जो कि मेरे यार ही मैं घंटा मेरा इसमें लग जाता है भाई, मैं 25 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, मुझे 2 घंटे मेरी नींद कम हो गई है, 300-400 रुपये की रोटी मैं कम खाता हूँ, अब
यहीं बचत शुरू हो गई मैंने। उसके बाद ये कि मेरा काम अच्छा होने लगा, जब अच्छा काम करते तो पैसे काम मिलेंगे ज़्यादा, और जब बैठे बैठे आइडिया आता है कि यार इस लड़की को भी बुला लो, ये तो वो कमेंट कर देगी, ज़्यादा लोग देखेंगे, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? अब ये नया क्वेश्चन, अब ये और से सुनिएगा, ये जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ अल्लाह ने कहीं से दिया हुआ है किसी गुरु के वसल से। आपकी अक्ल, पहली दफा लफ्ज बोल रहा, आपकी अक्ल इंटेलेक्ट मुकम्मल तौर पे मोहताज है आपके फाइव सेंसेस की, हवासे खमसा की। मुकबाल कहता है ना, कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। हम लोगों ने तसव्वुर ही नहीं किया कि माइंड को बंद करके कुछ नया भी हासिल कर सकते, माइंड के बगैर तो मतलब माइंडलेस हो जाता है। ये हवासे खमसा की टोटल मोहताज है, लेकिन देर से अनदर थिंग एग्जिस्ट, वो तभी नजर आती जब ये खामोश हो। ख्याल आज जो है ना गर्दों को बाहर की तरह होते हैं, धुआं की तरह होते हैं, बादल की तरह होते हैं। अब थोड़ी देर के बाद छटा हटा के देखें, इतना बड़ा सूरज है, इतना बड़ा सूरज है कि पूरी जमीन को रोशनी दे सकता है। अब हमने ये टेक्नोलॉजी कैसे लेनी? यहां से स्पिरिचुअल योगा स्टार्ट होती है। अब स्पिरिट क्या चीज है? यहां से इंक्लूसिवनेस स्टार्ट होती है। हम लोग थे पर्सनल से, अब हम जा रहे हैं टोटल पे। याद है मैंने कहा था आपकी वेलबींग जो है आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, फैंस, सब लोगों के साथ मुंसलिक। लेकिन आपके इतने बच्चे खेल रहे हो, आपको खुशी होती है ना? क्यों? ये आपके अंदर अल्लाह ने डाला हुआ है। अब 5 साल का बच्चा बेहतरीन जिंदगी है, उसका माइंड अभी शट डाउन है, वो टोटल चल रहा है नेचर के ऊपर। और नेचर क्या है? उसके नाम कई हैं। आप लोग उसको रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, नफ्स कहते हैं, इनर इंटेलिजेंस कहते हैं, छठी हंस कहते हैं, और क्या, गट फीलिंग कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। बुनियादी तौर पर उसका कोई नाम नहीं। अगर उसका नाम लिख आपने दे दिया, नाम कौन देता है? वो एक्सपीरियंस करने की चीज है। आप में से कितने लोगों ने अल्लाह देखा? नहीं देखा भाई। वासे खमसा की औकात ही नहीं कि उसकी जात को छू सके, उसके लिए आपको विदन जाना पड़ेगा। एनर्जी की एनर्जी से बात होगी, एनर्जी की एनर्जी से बात होगी। जब हम बैठेंगे, यार मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, कहां से आया? तो इसका मतलब है आपके अंदर भी कोई एक अंदर है, तो आप जो है वो माइंड और बॉडी के अलावा भी हैं, लेकिन माइंड ने इस वक्त हाईजैक किया हुआ है। माइंड इज ए सुपर जीनियस गैजेट एज वेल, लेकिन उस बच्चे की तरह है जिसने अपनी मां को ना कुछ सूझने ही नहीं दे रहा। वो जीन की तरह जो एक सेकंड भी नहीं कहता, हां जी अगे दसो। अब हम चाहते हैं कि जब इसकी जरूरत हो, गुरु जी कहते हैं कि ये शार्प नाइफ की तरह है, शार्प नाइफ की तरह है, सुपर टूल है काटना जबरदस्त। लेकिन अगर मैं उसको हर वक्त ऐसे ही करता रहूं तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद यहां से भी खून है, यहां से भी खून है, वो खुद ही को हर्ट कर रहा है। हम अक्सर यही कहते हैं दिमाग खराब है। दिमाग जबरदस्त चीज है, और जब खराब हो गया तो अब इससे हमने सीखना है कि भाई जब इसको इस्तेमाल करना है ठीक है, नहीं करना तो। अब हमने जो आगे 3 चीजें मैं आपको देना चाह रहा हूं कि ये जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक बीज डाला है जिसको हम नाम ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो गैर मरई है, वेटलेस है, यू कैन नॉट डिफाइन इट, ह्यूमन जो है हाँ, लेकिन आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप यहाँ एक मियो अस्पताल से बंदा लेके आए डेड बॉडी,
और यहाँ एक बंदा सुला दे, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, वहां फाइव सेंसेस शट डाउन है। जब आप सो जाते हैं आपके फाइव सेंसेस शट डाउन हो जाते हैं, लेकिन एक एक चीज चल रही है उसके अंदर जो पूरे निज़ाम को चला रही है, उसके नर्व्स, हार्ट, एवरीथिंग, और इसके पास नहीं है। इन्होंने बड़े तजर्बे किए हैं कि क्या निकल जाता है इसमें से। एक ने कहा, ओ जी 15 ग्राम निकल जाता है, उन्होंने कहा नहीं, हवा आधा वजन से उसकी ब्रेथ जो खत्म हो गई। तो ये जितनी क्वालिटी है उस जात की भी है। आपको देखे उसने कहा कि भाई मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी है, तफक्कर करो, फिक्र करो, फिक्र ढूंढो। मैं छुपा हुआ था, मैं चाहता हूं पहचाना जाऊं। अब ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल चीजों से क्या लेना देना, मुझे क्या है? अगर आपको उसकी एक्सेस हो जाए ना, यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। मसले मसले नहीं लगेंगे, आपको लगेगा अल्लाह दावा दे रहा कुछ सीखो। अल्लाह आपको मसाइल इसलिए नहीं देता कि आपसे प्यार नहीं, वो इसलिए देता कि ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे कोई मसला ही ना आए तो मैं क्या सीखूंगा? अगर बैठे मैं, आप देखें हमारे यहाँ बच्चे आते हैं जो बहुत अमीर होते हैं ना, उनके पास लाइफ स्किल कम होती है। पाकिस्तानी बाहर जाकर क्यों ज़्यादा कामयाब है? जो यहाँ ड्राइविंग कर लेता हूँ कहता है ये तो खीर है, वहाँ से ड्राइविंग कर यहाँ आके फेल है। ठीक है ना, एक फौजी को आपने मुश्किल हालात में गुजारा हो तो उसको ये ज़िंदगी तो आसान ही लगेगी। तो अब आपको पता चल गया कि देर इज समथिंग कॉल्ड, देर इज समथिंग बियॉन्ड माइंड माइंड एंड बॉडी। अब इसके भी इसको जानने का मकसद क्या है? पहला लेवल आपने तय कर लिया आज कि आपको पता चल गया एक चीज है। अच्छा जी, पता चल गया, आप क्या करें? अब अगली आपने रियाजत करनी है, इसको एक्सेस कैसे किया जाए। मैंने उससे बातचीत करनी है, ठीक है, क्योंकि उस चीज का रास्ता है ऊपर से आते हैं ख्यालात। गालिब का बड़ा मशहूर मिसरा है, कहीं से आते हैं। अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी आती है कि आप कम्युनिकेट करने लग गए, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि मैं हाथ उठाता हूँ यहाँ से चीज पकड़ लेता हूँ, और मैं बाद में दिमाग सोचता ये क्यों उठाई थी, और आर्गू भी करता है कि क्यों उठा रहे, इसका फायदा नहीं। फायदा लग जाता है 3 घंटे बाद। कल हमने एक्सपीरियंस करी चीज़ें कि ये क्यों कर रहे हैं, मैं कहता दोबारा यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, कहता नहीं ये वो जगह नहीं, मैं कहता रुक जाओ, मुझे नहीं पता क्यों रुक रहा, रुक जाओ, और ये मेरे मेरे हाथ में नहीं है, ये वो देता है तो देते हैं, ये नहीं कि मेरे पास मुसलसल रहती है। जब वो एनर्जी क्रिएट करते हैं हम लोग मिलके या इंफ्रादियत में, तो रहती। ये हो गया दूसरा, पहला क्या था? जानना। दूसरा है बातचीत करना। तीसरा है कि उस कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हुए उस उसके हाथ में दे देना। जैसे मैंने कहा कि उसने कह दिया मैं नहीं आर्गू नहीं करना, मैं ये है आपत की डेफिनेशन कि मैंने सबमिट कर दिया अपने आप को। जब आप उसके निजाम में फिट हो गए तो जो हो रहा है आप कहेंगे यही तो होना था, फिर आप टाइम और स्पेस से आगे निकल जाएंगे। और हम लोग 4 दिनों में यही बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि पढ़ा दें। रात भी एक बच्चे बैठा हुआ था, मुझे बस लिखवा दें, मैं कहा उसका क्या फायदा होगा, किताबें भरी पड़ी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई नोट्स नहीं लिए। अल्लाह के लिए क्या था कि भाई इनको बैठे बैठे सिखा देते हैं, सारा कुछ लिखें पढ़ें जो मर्जी करें। आपने तो कोई कंपाइल नहीं किया कुरान को। तो ये 3 लेवल हैं जो मुझे नहीं पता इनमें से कितने लेवल पे आप लोग करते हैं। मैं सीखूंगा इनफाद, जो आप बताइएगा जो भी चीज़ें मैंने कमियां बताई हैं मेरी, क्योंकि मैं यहाँ सीखने आया हूँ, जो मेरे पास था वो तो मैंने दे दिया, लेकिन ये कि उससे मुझे तो खास फायदा नहीं हुआ, मुझे तो पता ही था जो है, लेकिन जो आपको पता है मुझे वो जानना है, मुझे उसकी भूख है। तो आप सवाल